नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी। हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है, कोई अधिक पोल्यूटेड गैसेस नहीं निकलती इसके जलने से, तो इसको फोकस करते हुए ना हमारी गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर पॉलिसी लेकर आए हैं कि हमने हाइड्रोजन गैस से मिलने वाली एनर्जी की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया पॉलिसी, नोटिफाई कर दिया है, जारी कर दिया है। क्या है जी इसमें? इट एम्स एट बूस्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। भी हमने अपने ही देश में क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करनी है डोमेस्टिक, एंड मेकिंग एन एक्सपोर्ट हब फॉर द क्लीन फ्यूल। अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है और अपने आप को एक्सपोर्ट हब बनाना है, मीन हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन ये क्या होती है, तो थोड़ा रिवाइज कर लो। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन जिसकी प्रोडक्शन में कोई ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह एटमॉस्फेयर में ना निकले, या हम ऐसे करें कि कहें कि जिनकी प्रोडक्शन में हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं। ठीक, अब बात आती है ग्रीन हाइड्रोजन की सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, क्वेश्चंस के पैटर्न वही हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन, उसकी सिग्निफिकेंस, कुछ कमियां और क्या करना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर। इट विल हेल्प इन एंश्योरिंग एक्सेस टू एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी। हमारे पास क्या होगी? क्लीन एनर्जी होगी, एक्सेस होगी, अवेलेबिलिटी होगी क्लीन एनर्जी की। क्लीन एनर्जी का मतलब जो पोल्यूशन नहीं करती। दिस विल हेल्प इन एंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, हम अपनी एनर्जी नीड को पूरा कर लेंगे, एंड मीटिंग टारगेट्स अंडर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो नेशनल लेवल पर हमने अपने कुछ टारगेट तय किए हुए हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, तो उस चीज में भी इसका अपना योगदान होगा। क्लीन फ्यूल एज आउटपुट इज वाटर। हाइड्रोजन जब जला, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, H2O बनाया, आउटपुट मतलब आउटपुट क्या निकला, सिर्फ पानी, वाटर, एंड नो हार्मफुल गैसेस आर एमिटेड। तो कोई हार्मफुल गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकली। इट कैन बी यूज्ड इन, और ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन के इक्का दुक्का यूज है, इसको रेलवे में, लार्ज शिप चलाने में, बसेस, ट्रक, इस सब में यूज किया जा सकता है। किसको? ग्रीन हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन फ्यूल को। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी अपनी पॉलिसी की, सरकार ने क्या कहा है। फ्री पावर ट्रांसमिशन इज ऑफर्ड फॉर एनी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स सेट अप टू सप्लाई पावर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो आपने जब हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी के लिए, ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम यूज करते हैं, ग्रीन का मतलब ही है कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी यूज की, तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट से, जहां से एनर्जी प्रोडक्शन की जा रही है ये वाली, वहां से लेकर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के स्थान तक जो ट्रांसमिशन है, सरकार कहती है वो फ्री होगी, उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, फ्री पावर ट्रांसमिशन होगी, सीधी सीधी उनको फ्री में पावर्स मिलेगी जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे। ये बात होगी, मीन बढ़ावा दिया। और क्या है? दिस विल बेनिफिट की यूजर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया सच एज फर्टिलाइजर, ठीक है ना, मीन हाइड्रोजन के लिए, अमोनिया के लिए बेनिफिट दिए हैं, और ये वाला अमोनिया वगैरह फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, इसलिए फर्टिलाइजर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, और यही चीज ऑयल रिफाइनिंग, स्टील सेक्टर, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। ठीक, क्योंकि जब आपने एनर्जी की ट्रांसमिशन ऐसे फ्री की, तो उससे रिलेटेड सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा, बिकॉज द मूव विल मेक द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया मोर इकोनॉमिकल। ठीक है ना, तो जो हमारे हाइड्रोजन और अमोनिया
पैदा होगी वो ज्यादा सस्ती होगी। तो ये वाली चीजें हम फर्टिलाइजर में, ऑयल की रिफाइनिंग में, स्टील सेक्टर में यूज करेंगे एनर्जी को, अमोनिया को, तो फिर क्या है, इनको भी फायदा होगा। करंटली दीज सेक्टर्स आर यूजिंग ग्रे हाइड्रोजन और ग्रे अमोनिया। ठीक, एट प्रेजेंट ये क्या कर रहे हैं, यूज ग्रे हाइड्रोजन या ग्रे अमोनिया यूज कर रहे हैं। ग्रे का मतलब भी जहां पर पोल्यूशन हो रहा है। देयर विल बी ए सिंगल पोर्टल, एक पोर्टल बना दिया सरकार ने, ऐसी सुविधा जैसे एक पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया इंटरनेट पर कि वहीं पर सभी चीजें उपलब्ध होंगी, रजिस्ट्रेशन से लेकर क्लियरेंस से लेकर। तो जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व होगा उसको भटकना नहीं पड़ेगा, एक सिंगल पोर्टल से सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। दैट विल हेल्प फॉर गेटिंग ऑल क्लियरेंसेस, किसी ने क्लियरेंस लेनी है इस पोर्टल पर जाओ फॉलो करो, है ना, किसके लिए, फॉर सेटिंग अप ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एज वेल एज किसके लिए, फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू स्टोर एनी सरप्लस एनर्जी। ठीक, जिस प्रोड्यूसर ने आपकी रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस की है, ठीक, तो अगर उसने अधिक कर दी तो सरकार बोली कोई बात नहीं, ठीक, आपकी अधिक एनर्जी को हम स्टोर करेंगे। फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू स्टोर एनी सरप्लस एनर्जी जनरेटेड विद डिस्कॉम्स। ठीक, डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, फॉर अप टू 30 डेज, 30 दिन तक एडिशनल एनर्जी को सरकार कहती है हम स्टोर करके रखेंगे। एंड दे कैन यूज इट व्हेन रिक्वायर्ड, तो ये डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इसको यूज कर सकती है जब भी इनको जरूरत पड़े। तो ऐसी ऐसी सुविधाएं दी है सरकार ने। ठीक, तो आप और एक तो पढ़ लेते हैं। फॉर स्टोरिंग हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया नियर द पोर्ट, मतलब पोर्ट जहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक, समुद्र के पास पोर्ट होते हैं ना, जहां से हवाई जहाज नहीं समुद्री जहाज ठहरते हैं, तो वहां पर उसके आसपास ही हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को स्टोर करने के लिए सरकार ने वो क्या कर रखी है, सुविधा दी हुई है। प्रियर टू एक्सपोर्ट द पोर्ट अथॉरिटीज विल आल्सो प्रोवाइड लैंड एट एप्लीकेबल चार्जेस। तो पोर्ट की अथॉरिटी है वो प्रॉपर जमीन मुहैया करवाएगी टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड अमोनिया के प्रोड्यूसर्स को कम रेट पर, कम पैसे पर, एप्लीकेबल चार्जेस पर क्या है, लैंड प्रोवाइड करवाएगी ताकि कोई दिक्कत ना आए उनको समय के स्टोर करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा गैस लाए और जहाज में स्टोर, उसके सिलेंडर स्टोर किए और बाहर भेज दिए, उनको कुछ समय के लिए कभी कभी स्टोर करना पड़ता है, उनके लिए उनको गोदाम चाहिए। तो इन सब चीज के लिए सरकार ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे गोदामों के लिए जो लैंड है, आपको जमीन है, सस्ती मिलेगी। द पॉलिसी विल हेल्प इन इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि इंडिया ने क्या कहा है, हम अपनी एनर्जी की ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड अचीविंग द टारगेट ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। ये हम क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं कि इंडिया ने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि हम 2070 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हासिल करने में भी हमें आसानी होगी, ऐसे आपने रिलेट करके पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है जी, तो बस इसको थोड़ा एडवाइस कर लेना, देख लेना भी क्या क्या सरकार ने सहूलतें दी हैं, और पूरा पूरा लाइनें नहीं लिखनी, मेन मेन पॉइंट उठा के लिख देने वहां पर लिमिटेशन क्या है हाइड्रोजन एनर्जी की, क्या क्या दिखते हैं। इकोनॉमिकली नॉट सस्टेनेबल एट प्रेजेंट, अगर हम देखें पैसे के हिसाब से तो इतना कोई प्रॉफिटेबल सौदा नहीं है ये। क्यों? एज ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, काफी अधिक पैसा चाहिए एनर्जी की ट्रांजिशन के लिए। ट्रांजिशन मतलब नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल। अभी हमारी 70% के करीब जो एनर्जी है, बिजली है, वो हम कोयले से जनरेट करते हैं, तो इतना आसान नहीं है कि हम सीधा सीधा बहुत जल्दी हाइड्रोजन या और रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिट कर दे। टेक्नोलॉजी इज एट नेसेंट स्टेज एंड आर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये नई चीजें हैं, तो इसकी अपनी जो टेक्नोलॉजी है इसको पैदा करने की, ये सब टेक्नोलॉजियां अभी शुरुआती स्टेज पर है, तो इसके ऊपर प्रॉपर हम क्या कहते हैं वो नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, और महंगी भी है। ठीक है ना, नेशन स्टेज का मतलब ये है कि अभी उसकी परिपक्वता से तैयार नहीं हुई टेक्नोलॉजी। हम होता क्या ना कि समय के अनुसार से कुछ चीजें
के रिजल्ट हमें पता होते हैं, तो इनके ऊपर जैसे उदाहरण दे, हो सकता है हाइड्रोजन एनर्जी की कुछ गलती हुई नहीं और वहां पर ब्लास्ट हो जाए, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो इसको इसकी टेक्नोलॉजियों को और अच्छा बनाना है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज फ्यूल सेल इज हाई, तो हाइड्रोजन के जो फ्यूल सेल है उनको मेंटेन करना उसके ऊपर भी खर्चा आता है। द गैस इज डिफिकल्ट टू हैंडल, ये बात है, लीक करगी गैस एकदम आग पकड़ती है, इसलिए इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। द कमर्शियल यूजेस ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन और डिमांड क्रिएशन, इन सब के ऊपर क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है जी। तो बाकी आपने फिर वही बातें लिखनी है कि ऐसा नहीं है कि हमने सारे के सारे रिन्यूएबल में कन्वर्ट कर देना है, एक जुडिशियल मिक्स होना चाहिए जिसमें हम धीरे धीरे इन फ्यूचर नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ आ सके और जो जो कमियां है उसको रिमूव करने में कदम के लिए कदम उठाने चाहिए, प्रॉपर फाइनेंस, प्रॉपर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो, प्रॉपर बजट की एलोकेशन हो और प्राइवेट सेक्टर की भी कॉपरेशन हो और प्रॉपर, और ये हाइड्रोजन पॉलिसी एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको ढंग से लागू करना चाहिए, ऐसा कुछ लिख देना आपने एक दो लाइनों में। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक, ये सारा पढ़ चुके हैं हम। रेड लाइन कैंपेन भी हमने पढ़ लिया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी हो गया था, नेट जीरो कमिटमेंट। हाँ, अब पढ़ते हैं जी नेट जीरो कमिटमेंट हो गया था, आगे बढ़ते हैं जी स्मॉग। स्मॉग दिल्ली में दिवाली के बाद, दीपावली के बाद काफी अधिक स्मॉग बढ़ जाती है। स्मॉग इन दिल्ली एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखो होता क्या है ना कि एक तो चलो जो भी है क्रैकर्स बंद किए तो पोल्यूशन हो गया, इस समय क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में इन्वर्जन लेयर डेवलप हो जाती है, मीन ऊपर जाते समय टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, कम नहीं होता, बढ़ता है, तो कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि जो पोल्यूटेंट है वो डिस्पर्स नहीं होते। अगर तो पोल्यूटेंट डिस्पर्स हो जाए तो आसानी होगी, इतनी दिक्कत नहीं होगी, अब पोल्यूटेंट वही कंसंट्रेट रहते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि बारिश भी नहीं होती इस टाइम पर, तो पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में ही आ जाते हैं। तीसरी बात यह है, बड़ी बात यह है कि जो पंजाब साइड आप पैडी के खेत में जो भूसा बच गया है हार्वेस्टिंग के बाद उसको आग लगा दी जाती है, ठीक, सब जानते हैं आग लगा दी जाती है मास स्केल पर, तो उससे भी पोल्यूशन में बढ़ावा होता है। पर इसमें एक पॉइंट और है, वो ये है कि पंजाब सरकार ने जैसे आपके ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए ये कह दिया कि इतनी तारीख से पहले आप पैडी को नहीं बो सकते, ठीक है जी, तो आपने पैडी की जो सोइंग है उसको डिले कर दिया। इससे क्या होता है कि उसकी हार्वेस्ट भी जो पहले सितंबर तक हो जाती थी अब अक्टूबर में चली जाती है, ठीक, तो मतलब दिवाली के समय पैडी की हार्वेस्ट दोनों आपस में क्लैश कर जाती है, उसी समय दिवाली आती है उसी समय पैडी की बर्निंग हो रही होती है, पहले क्या था सितंबर में हो जाती थी, तो इससे भी क्या है पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो कुछ चीजें हमने पढ़ ली, अब जरा देखें स्मॉग के बारे में लिख देना है, क्या क्या कारण है, क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं और क्या चाहिए। स्मॉग क्या है पहले हम पढ़ चुके हैं, देखो टेक्निकल चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले, मीन फॉग प्लस स्मोक। स्मॉग इज ए हार्मफुल मिक्सर ऑफ फॉग, मतलब वेपर, धुंध, डस्ट एंड एयर पोल्यूटेंट्स, इन सब का हार्मफुल मिक्सचर होता है स्मॉग, ठीक है जी। ड्यू टू स्मॉग द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली हैड रीच अपर एंड ऑफ द सीवियर कैटेगरी, नवंबर मंथ में जो हमने एयर की क्वालिटी के पैमाने तय किए हैं उस हिसाब से क्या है सीवियर कैटेगरी से भी अपर एंड तक पहुंच गई है सीवियर कैटेगरी के, तो एयर क्वालिटी ऐसी हो गई है।
अब क्या करें, कॉजेस देख लेते हैं पहले क्या क्या कारण है। ड्यू टू डिप इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की कमी के कारण नवंबर आते आते सर्दियां शुरू हो जाती हैं। देयर इज टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है मीन एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट। तो जब ऊपर जाते समय एयर टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसका मतलब ऊपर वाली एयर क्या है, हल्की, नीचे वाली है भारी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि डिस्पर्शन नहीं होता एयर पार्सल का। दिस क्रिएट्स स्टेबल कंडीशंस, स्टेबल कंडीशंस मतलब कि अब पोल्यूशन जो है वो डिस्पर्स नहीं होगा, स्टेबल सी कंडीशन बन जाएगी। एन एयर पार्सल ऑफ पोल्यूटेंट विल फाइंड इटसेल्फ हैवियर देन सराउंडिंग एयर, जो कोई भी एयर पार्सल है वो अपने आप को बाहर की एयर से हैवी पाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, गर्म एयर है, तो वो अपने आप को क्या पाएगा, गर्म एयर के मुकाबले ठंडा पाएगा और हैवी पाएगा। एंड विल नॉट राइज एंड डिस्पर्स, इसलिए वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा और बिखरेगा नहीं, डिस्पर्स नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारा जो पोल्यूशन था वो वही केंद्रित हो गया, वही कंसंट्रेट हो गया। ड्यू टू लैक ऑफ हाई स्पीड पॉइंट्स, और हवा भी नहीं चल रही इस समय, वाइंड्स नहीं चलती, देयर इज लेस डिस्पर्सल ऑफ पोल्यूटेंट्स, इसके कारण भी जो पोल्यूटेंट है वो डिस्पर्स नहीं होते। बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज बाय फार्मर्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है क्रॉप रेजिड्यू का। ट्रैफिक पोल्यूशन इन दिल्ली, ये भी बड़ा मेन कारण है ट्रैफिक की पोल्यूशन। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिल्ली में चलती रहती है। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन दिल्ली एनसीआर रीजन इज द मेजर कंट्रीब्यूटर, कंस्ट्रक्शन में भी रोड कंस्ट्रक्शन इज द प्रोमिनेंट कॉज। तो जब रोड की कंस्ट्रक्शन होती है तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, ये सब पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, हवा में आ जाते हैं और क्या है, पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और गार्बेज डंप, है ना, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं और जो हमने गार्बेज डाल दिया है, जो हमारा क्या है वो वेस्ट है, उसको डंप कर दिया, ठीक, तो ये क्या है, सारे पोल्यूशन के सोर्स है। डिस्पाइट द बैन ऑन क्रैकर्स, चाहे हमने सरकार ने पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया था, फायर क्रैकर्स वर ए कॉमन साइट ऑन दिवाली, दिवाली पर पटाखे आम देखे जा सकते हैं, चाहे सरकारों ने बैन लगाया है। तो आप देख सकते हो कि दिल्ली में अगर रहते हो आप, दिल्ली में कभी जाओ दिवाली पर, किसी सज्जन मित्र से पूछ कर देख लेना वैसे भी, तो बैन के बावजूद भी अच्छे खासे पटाखे चलते हैं। लेस इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोग क्या करते हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं, तो उससे भी पोल्यूशन होगा। दिस लेड टू कंजेशन एंड दस पोल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए तो क्या है, अधिक जनता ट्रेवल कर लेगी, मीन कम फ्यूल का यूज किए करके। पर अब क्या है, सब अपनी अपनी गाड़ियों पर जब जाएंगे जनता, तो पोल्यूशन होगा। तो क्या करना चाहिए, बस जो जो समस्याएं हैं बस उस समस्या का हल दे दो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेकर आओ, सिर्फ पैडी ही बोए जा रहे हैं हर साल, इससे ग्राउंड वाटर भी नीचे जा रहा है और हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर भी पोल्यूशन हो रहा है, उसका पोल्यूटेड हो रहे हैं वो सब चीजें। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ठीक। इससे क्या होगा ना, अगर थोड़ा बहुत पैडी को बर्न भी कर दिया आप, तो वो वाला पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाएगा। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एट लीस्ट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सिटी, सिटी के पेरिफेरी में, कम से कम पेरिफेरी में तो फॉरेस्ट कवर लगा दो भाई, ट्री लगा दो। प्रोवाइड फार्मर्स वेरियस अल्टरनेटिव्स है ना टू डेट ऑफ बर्निंग क्रॉप रिमेन्स, फार्मर्स को मत को ऐसे ऐसे आप सुविधाएं प्रोवाइड करो कि भाई साहब आप क्रॉप रिमेन को जलाओ मत, आप इसको ऐसे इसकी खाद बना सकते हो, या इसके आप कह सकते हो कि गत्ते वगैरह बना सकते हो, पेपर सब बना सकते हो। तो जो अल्टरनेटिव्स है वो उनको बताने नहीं है सिर्फ, उस अल्टरनेटिव के लिए सरकार वो किसान की हेल्प भी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग टेक्नोलॉजीज टू कन्वर्ट क्रॉप रेजिड्यूज इंटू बायोफ्यूल एंड बायोफर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, क्रॉप रेजिड्यूज का यूज करके, बेसिकली है तो ऑर्गेनिक मैटर ही ना, तो इससे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, बायोफर्टिलाइजर्स बनाया जा सकता है। प्रायोरिटाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सब लेकर आओ। टाइटर व्हीकुलर एमिशन नॉर्म्स भी, हाँ भी, इससे अधिक जिस व्हीकल ने पोल्यूशन किया उसको सजा होगी। ये नॉर्म्स लेकर आओ, ऐसे रूल्स लेकर आओ, जैसे BS4 से सीधा हम BS6 आ गए, वो अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। पोल्यूशन सेस टैक्स लगा दो किसके ऊपर, ऑन पोल्यूटिंग व्हीकल्स, फॉर एग्जाम्पल एंट्री ऑफ ट्रक्स, बिग डीजल कार्स एंड ओल्ड व्हीकल्स, ये क्या करते हैं, ये डीजल की कंजप्शन करते हैं ना, तो इसमें क्या है अनबर्न पार्टिकल्स ज्यादा निकलते हैं ओल्ड व्हीकल से, बिग डीजल कार से या ट्रक वगैरह से, तो क्या है इनकी, इनके ऊपर पोल्यूशन सेस लगा दो। टैकल रोड डस्ट बाय मैकेनाइज्ड स्वीपिंग एंड वाटर स्प्रिंकलिंग, ना रोड के ऊपर पानी का छिड़काव करो, ठीक, और मशीनों के द्वारा मिट्टी को साफ करो, ठीक, ताकि डस्ट क्लियर हो जाए। प्रॉपर अर्बन प्लानिंग करो फॉर रिड्यूसिंग ड्राइविंग, इंक्रीजिंग साइकिलिंग एंड वॉकिंग, ठीक, अभी जनता के जो ऑफिस हैं वो ऐसे हो कि मीन वहां पर जाने के लिए आप साइकिल से भी जा पाओ, वॉकिंग करने की स्पेसेस बढ़ाओ, ठीक, और ड्राइविंग की चीजें कम हो, मास ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो वगैरह है ऐसी कनेक्टिविटी और बढ़ाई जाए, ठीक, और डेवलपमेंट ऐसे की जाए कि ट्रांसपोर्टेशन कम हो। यूज ऑफ पब्लिक मास ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, ये सब चीजें हैं। इंडिया हैज, देखो ना जहां पर साइकिलिंग का ये है कि हमारे जो दिल्ली के रोड्स हैं वो सेफ नहीं है, साइकिल वाले को तो वैसे ही कोई टक्कर मार के उड़ा देगा, है ना, तो पर इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, इनके लिए सेफ लेन्स बनानी चाहिए। एंड में लिख दो, इंडिया हैज 12 आउट ऑफ 14 सिटीज डेट हैव हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, वर्ल्ड लेवल पर जो 14 मेन कंट्रीज हैं जहां पर बहुत अधिक एयर पोल्यूशन है, तो इंडिया में, इंडिया के 12 शहर इसमें आते हैं, ये डाटा आपने याद कर लेना है, ऐसे ऐसे लाइन लिखने से इंप्रेशन पड़ेगा। एयर पोल्यूशन एक्सट्रैक्ट्स अनॉर्मस प्राइस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, और जिनकी हेल्थ खराब होती है तो भाई साहब उसमें भी तो खर्चा आता है, अगर सिर्फ इकोनॉमी की बात करें तो अगर उतना ही खर्चा हम पहले से प्रिवेंशन में लगा दें तो अच्छा नहीं रहेगा। कंबैटिंग एयर पोल्यूशन मस्ट बिकम ए प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस स्पेशली दैट ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए पोल्यूशन से लड़ना हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, खासतौर पर सरकारों को इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है जी। गवर्नमेंट्स एफर्ट इन डीलिंग विद एयर पोल्यूशन, तो ये वाला टॉपिक है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए, खासतौर पर दिल्ली में, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, शुक्रिया जी, नमस्कार।